31 मार्च को भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर हमला हुआ। पूरा देश दंग रह गया इस गुंडागर्दी को देखकर। इसी वजह से हाई कोर्ट ने कई दिनों तक आरोपियों को बेल नहीं दी। जब 8 दिन के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बेल दी तो क्या होता है, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा इन सब गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को सम्मानित किया जाता है और इनको सम्मानित करके उन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं को ये संकेत दे दिया है, जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करोगे उतना ज्यादा भाजपा में आगे बढ़ोगे। मेरे पास ऐसे केसेस की पन्नों दर पन्नों की लिस्ट है जहां पर भाजपा के नेताओं द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़, गुंडागर्दी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, मर्डर, किडनैपिंग और इन सब लोगों को भाजपा सम्मान देती है और आगे बढ़ाती। ऐसी 50 भाजपा के बड़े छोटे नेताओं की लिस्ट निकली जिन पर छेड़छाड़, बलात्कार, गुंडागर्दी, मार पिटाई, गाली गलौज, हर तरह के आरोप। इससे ये समझ में आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय गुंडा पार्टी। पूरे देश को ये नजर आ रहा है कि देश के सामने दो विकल्प, एक तरफ भाजपा है जो गुंडों की पार्टी है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार, पढ़े लिखे, शरीफ लोगों की पार्टी। अब आम आदमी पार्टी को देखने जाइए तो आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक IIT के ग्रेजुएट, वो सिविल सर्विसेज में रह चुके। आप देखने जाइए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को, तो एक जाने माने पत्रकार रह चुके। आप देखने जाइए अभी राघव चड्ढा जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े। मैं खुद देश विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर विदेश में नौकरी कर उसे छोड़कर आई और राजनीति में। आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड सेट किया है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायकों में 12 डॉक्टर हैं, 7 वकील हैं। आप देश के किसी हिस्से में जाइए, आज सब लोग कहने लगे हैं कि हमें ये भारतीय गुंडा पार्टी नहीं चाहिए, हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जो इन गुंडों का सम्मान करती है, हमें एक ऐसी पार्टी चाहिए जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एक ऐसी पार्टी चाहिए जो पढ़ाई लिखाई का, शराफत का, ईमानदारी का सम्मान करती है और ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लेकर आती है, क्योंकि इस देश को ईमानदार पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है।